तो जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीबीपी फिजिकल सेंटर छपरा जलालपुर में क्या क्या हो रहा है, कितने लड़कों का बैच बन रहा है, रनिंग ग्राउंड कैसा है, हाइट कैसा नापा जा रहा है, चेस्ट कैसा नापा जा रहा है और लॉन्ग जंप हाई जंप सारा जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मेरा भी फिजिकल है, 6 तारीख को मैं जाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को एंट्री कितने बजे हो रही है। तो आप लोगों को 5 बजे एंट्री मिल रही है दोस्तों, क्योंकि मेरा एक दोस्त गया है, वो सारा जानकारी मेरे को दिया है, मैं आप लोगों को सारा जानकारी दे रहा हूँ। तो 5 बजे आप लोगों को एंट्री स्टार्ट कर दिया जा रहा है, माइक में बोला जा रहा है आप लोगों को आधार कार्ड और जो है एडमिट कार्ड निकाल लेने के लिए आप लोगों को इसी पे एंट्री हो रही है। अंदर जाके सारा डॉक्यूमेंट लगेगा लेकिन आप लोगों को इसी पे एंट्री हो रही है। अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों का एंट्री हो जा रहा है और एंट्री होने के बाद 50-50 लड़कों का बैच, मतलब आप लोगों का जो है चेस्ट नंबर दिया जा रहा है और पैर में, दोनों पैर में चिप लगाया जा रहा है। और जो रनिंग ग्राउंड है दोस्तों 400 मीटर का है आप लोगों का, तो 50 लड़कों का एक बैच में छोड़ा जा रहा है। वो ग्राउंड है दोस्तों, रोड पे नहीं दौड़ाया जा रहा है, आप लोगों का ग्राउंड है दोस्तों। 50-50 लड़कों का बैच बन रहा है और दोनों गोर में चिप रहता है दोस्तों, दोनों पैर में आपके चिप बांध दिया जाएगा और चेस्ट नंबर भी मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को रनिंग के लिए स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप लोगों को 4 राउंड मारना पड़ेगा दोस्तों वहाँ पर, तब आपका 1600 मीटर हो जाएगा। आप लोगों को पूरा टाइम दिया जा रहा है, 7.5 मिनट आप लोगों को पूरा दिया जा रहा है। तो वैसे ही आप लोगों का रनिंग हो रहा है वहाँ पे, और रनिंग होने के बाद जो जो भाई क्वालिफाई किए हैं उनका जो है हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों हो रहा है दोस्तों। दोनों में आप लोगों का तीन तीन चांस मिल रहा है दोस्तों। वहाँ पे आप लोगों को गद्दा पे नहीं फनाया जा रहा है दोस्तों, आप लोगों को मिट्टी पे ही 3.5 फीट आप लोगों को फनाया जा रहा है और वहाँ पर आप लोगों को 3 चांस मिल रहा है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि आप लोगों को 3 चांस पूरा दिया जा रहा है, और 3 चांस आप लोग अगर नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो आप लोगों को वहां से फेल कर दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, लॉन्ग जंप हाई जंप होने के बाद आप लोगों को हाइट और चेस्ट में हो रहा है। तो हाइट और चेस्ट लास्ट में हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है वहाँ पर अच्छे से नापा जा रहा है। अगर आप लोग SSB का भर्ती देखे होंगे, जैसे SSB में नापते हैं वहाँ पर ITBP में भी अच्छे से नापा जा रहा है वहाँ पर दोस्तों। जिनका 1-2 सेंटीमीटर कम है उनको भी पास कर दिया जाता है, क्वालिफाई कर दिया जा रहा है। तो आप लोगों को ऐसे ही आप वहाँ का भर्ती हो रहा है, ऐसे ही प्रोसेस चल रहा है। तो कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत लड़के पास हो रहे हैं वहाँ पे, और रनिंग में जो है दोस्तों थोड़ा सा लड़के जो है रनिंग में फेल हो रहे हैं, नहीं तो वहाँ पे जो हाई जंप लॉन्ग जंप और हाइट चेस्ट सारा अच्छे से नापा जा रहा है और अच्छे से कराया जा रहा है। तो कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं।